हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। आज मम्मी पापा ने कुछ स्पेशल दिया हमें खाने को। मम्मी के पास चॉकलेट है, मैंने सुबह सुबह मांगी, मम्मा चॉकलेट दो। आप भी मांगते होंगे अपने मम्मा से, तो मम्मा ने क्या किया, चॉकलेट के 4 टुकड़े मुझे दे दिए। फिर मैंने देखा भैया के हाथ में चिप्स हैं, सब बच्चों को पसंद होती हैं चिप्स, आपको भी होंगे, तो मैंने भी अपने भैया से चिप्स मांगे, भैया थोड़े से चिप्स मुझे दे दो। लेकिन भैया को इतने पसंद है, वो देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ एक पीस निकाला हमने, और उसमें से भी उसने 2 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा मुझे दे दिया। अब मैं क्या करता, एक ही लिया मैंने। फिर मैंने देखा कि बड़े भैया के पास तो पिज्ज़ा है, और मैं गया, भैया मुझे भी पिज्ज़ा बहुत पसंद है, मुझे पिज्ज़ा भी थोड़ा दे दो। तो भैया ने पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े किए हुए थे और उसमें से 3 उसने मुझे दे दिए, और मैंने भैया को थैंक्स बोला और मैं बड़ा खुश हुआ। अब मुझे चॉकलेट से हिस्से मिले 4, 10 हिस्से से 4 हिस्से मिले, और चिप्स में से मुझे आधा हिस्सा मिला, 1 हिस्सा मिला 2 में से, और पिज़्ज़ा में मुझे 3 टुकड़े बांटे आए, 4 में से 3 टुकड़े बांटे आए। अब अगर हम अपने टॉपिक पे आए, हमने इसको लिख के बताना है, तो हम इसको लिखेंगे 4/10, 1/2, 3/4। इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q। फ्रैक्शन हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर एज q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारा क्यू है वो 0 नहीं हो सकता, अगर वो 0 होएगा तो हमारी फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी। p/q को हम अगर मैथ में न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखते हैं हम 2/5। हियर 2 इज न्यूमिरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। जो पी है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, वो हमेशा उसको बोलेंगे हम न्यूमिनेटर, और 5 उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आगे चलने से पहले। यहाँ मैंने 3 सम दिए हैं आपको, 3/8, 1/3, 4/6। आपने कॉपी में ये भी उतारना है ऊपर भी, और फिर ये उतारना है। यहाँ मैंने पिक्चर दी है 3, आपने कॉपी पे बनानी है। ये देखो, मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें 8 पार्ट किए हैं, 8 में से आपने 1, 2, 3 में कलर करना है, 8 को खाली छोड़ देना है। इधर हमने एक रेक्टेंगल ली है, उसके हमने 3 पार्ट किए हैं, 1, 2, 3, उसमें से हमने 1 पार्ट को कलर करना है। अगेन हमने एक रेक्टेंगल बनाई है, उसके हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट किए हैं, इसमें से आपने 1, 2, 3, 4 पार्ट को कलर करना है, 2 को वाइट छोड़ना है।